हेलो एवरीवन, चैलेंजिंग सीरीज के डे 111 में आपका स्वागत है। आज का क्वेश्चन हमारा बोटेनी स्ट्रीम पे बेस्ड है। चलते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। जो लोग मेरे बारे में या चैलेंजिंग सीरीज राउंड के बारे में जानना चाहते हैं, इस वीडियो को पॉज करके कंटेंट को पढ़ के पूरी जानकारी ले सकते हैं। हम लोगों का स्पेशल मैथ टेस्ट चल रहा है बीएससी एकेडमी पटना में। जो लोग इस टेस्ट का पार्ट बनना चाहते हैं, पटना से हैं, इस टेस्ट का पार्ट बन सकते हैं। ठीक है, देखो सवाल हम लोगों का क्या है कि बोट ए बोट हैज़ टू ट्रेवल फ्रॉम पॉइंट पी टू पॉइंट क्यू अप स्ट्रीम। ठीक है, दो बिंदु है पॉइंट क्यू एंड पॉइंट पी, अप स्ट्रीम जाना है एंड रीचेज क्यू बाई 5 PM, यानी क्यू पे जो है वो 5 PM में पहुंच जाता है। इफ बोट स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट पी 2 PM, यानी 2 PM में यहाँ से चलता है, यानी कि ये अप स्ट्रीम ट्रैवल करने में उसको टाइम कितना लगा, 3 घंटे लगे। ठीक है, विद द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, अगर शुरुआत करता है स्पीड ऑफ 20, यानी एक्स की वैल्यू जो स्पीड ऑफ बोट होती है इन स्टील वाटर वो दी हुई है हमें 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एंड आफ्टर ट्रेवलिंग फॉर 1 आवर, 1 घंटे ट्रैवल करने के बाद द स्पीड ऑफ करेंट इज इंक्रीज बाई 25% ऑफ इज इनिशियल स्पीड। अपने इनिशियल स्पीड का जो है वो 25% बढ़ जाता है, तो अभी हमें स्पीड ऑफ स्ट्रीम मालूम ही नहीं है। फिर आगे क्या बोल रहा है, इफ द डिस्टेंस फ्रॉम पी टू क्यू, पी से क्यू का जो डिस्टेंस है वो है हमारा 36 किलोमीटर। ठीक है, कितने किलोमीटर है, 36 किलोमीटर, एंड द स्पीड ऑफ करेंट इज 8 किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ करेंट क्या दे दिया, 8 किलोमीटर पर आवर दे दिया। ठीक है, देन फाइंड बाय व्हाट परसेंट बोट हैज टू इंक्रीज इट्स स्पीड टू रीच पॉइंट क्यू ऑन टाइम। ठीक है, बोट को कितने परसेंट अपने स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा ताकि वो क्यू जो है टाइम पे पहुंच जाए, मतलब 3 घंटे में पहुंच जाए। अब देखो 1 घंटे तक तो ये नॉर्मल यही स्पीड से चल रहे होंगे सब। ठीक है, 1 घंटे के बाद क्या हो रहा है, हमारा स्पीड जो हो रहा है स्ट्रीम का वो क्या हो रहा है, 25% से बढ़ जा रहा है। यानी 8 का जब हम लोग 25% इंक्रीज करेंगे, 25% के फ्रैक्शन होती है 1/4, यानी इंक्रीज करके हमारा 5/4 ये हमें क्या देगा, 10। यानी 1 घंटे के बाद हमारा स्ट्रीम किस स्पीड से चलेगा, 10 के स्पीड से। ठीक है, अब ऑब्वियस है यहाँ पे 10 के स्पीड से चल रहा है तो बोट हमारा क्या हो जाएगा, बोट में भी कुछ बोला है इंक्रीज करने के लिए। मैंने बोला पहले बोट में इंक्रीज, यानी कि बोट की स्पीड क्या है वो निकाल लो, बोट की स्पीड मैंने मान ली ए। ठीक है, टोटल वो पहुंचता है 3 घंटे में, 1 घंटे वो चल गया, यानी 2 घंटे का सफर, और वो 2 घंटे का सफर जो है वो किस स्पीड से ट्रेवल करेगा, ए एंड 10 के स्पीड से। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि 1 घंटे में उसने चली थी कितनी किलोमीटर, 1 घंटे में अगर हम लोग निकालेंगे तो उसकी अप स्ट्रीम स्पीड हो जाएगी 20 - 8। ठीक है, और डिवाइडेड बाई 1 घंटे में जो हम लोग को निकालना है उसकी स्पीड, और यहाँ पे क्या कर देंगे, 1 से गुना कर देंगे, 1 आवर से हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 20 - 8 हमारा कितना हो जाएगा, 12, यानी कि उसने 12 किलोमीटर चले हैं पहले घंटे में। तो हमारा रिमेनिंग डिस्टेंस कितना बच जा रहा है, रिमेनिंग डिस्टेंस बच रहा है 36 - 12, दैट इज 24। ठीक है, रिमेनिंग डिस्टेंस जब हमारा 24 बच गया तो ये 24 डिस्टेंस को जो है अब कौन ट्रेवल कर रहा है, ए एंड 10 के स्पीड से, यानी अप स्ट्रीम है, यानी ए माइनस 10 हो जाएगा हमारा, ए माइनस 10 हो गया, और ये कितने देर में इसको ट्रैवल करना है, 2 घंटे में ट्रैवल करना है। तो 2 घंटे में जब ट्रैवल करना है तो यहाँ से 3 - 1 2 हो गया, इससे जब काटेंगे इसको तो ये कट जाएगा हमारा 12 बार में, और सॉल्व करने के बाद ए की वैल्यू जो निकलेगी वो निकल जाएगी 22, यानी कि किलोमीटर पर आवर। ठीक है, पहले हमारा स्पीड ऑफ बोट था वो था हमारा 20, और अब हो गया हमारा 22 किलोमीटर पर आवर, यानी कि इंक्रीज हुई कितने की, +2 की इंक्रीज हुई। हमें परसेंटेज इंक्रीज ही निकालना है, परसेंटेज इंक्रीज बराबर क्या हो जाएगा, जितने की इंक्रीज हुई बटा में क्या टोटल, और गुने में कितना, 100। ठीक है, यहाँ से 0-0 खत्म हो गया, 2-2 खत्म हो गया, यानी कि हमें क्या मालूम पड़ गया, 10% की हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और यही हमारा आंसर है, 10% इंक्रीज। होप आप लोगों को ये क्लियर हो।